जिस तरह हम अपने बारे में राय रखते हैं उस पर हमारे रिश्ते मुनस्सर होते हैं। अगर आप खुद से तवाज़े मोहब्बत नहीं रखते हैं तब आपके रिश्ते दूसरों के साथ ठीक नहीं हो सकते। यही सब है और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का में। आज मैं आपसे आपकी अपनी ही तस्वीर और मुस्तकबिल पर बात करूंगी, क्योंकि आपकी अपनी तस्वीर वो तस्वीर है जो आप अपने दिल में बसाए रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपने घर वालों की या अपने प्यारों की तस्वीरें आप अपने बटुए में रखते हैं, वैसे ही आप अपने अंदर अपनी एक तस्वीर रखते हैं। आप में से कुछ जो माजी में चोट खा चुके हैं, आप खुद को उस नज़र से नहीं देखते हैं जैसे आप हैं। आप उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से खुदा आपको देखता है। आपका नज़रिया बिगड़ा हुआ होता है। आप अपनी कीमत नहीं देखते, आप ये नहीं देखते आप खुद को कितने अजीज हैं। आप जो अंदर से महसूस करते हैं उससे आपको हर रिश्ता मुतासर हो जाता है। हमने इन छुट्टियों में सहीफे पढ़े हैं जो फरमाते हैं अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो। अगर आप खुद से मोहब्बत नहीं करते तो आप दूसरों लोगों से अच्छा रिश्ता कायम नहीं कर पाएंगे। हमने चर्चा की है अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत रखने की, और मेरे ख्याल में हम कोई बड़ी चीज़ की तवक्को करके गलती कर बैठते हैं कि हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना कोई बड़ी वारदात गुजरे। छोटी मोटी बातों की ताकत को कम मत मानिए जो आपकी रोजाना की जिंदगी में गुजरती हैं। मेरे ख्याल में खुदा ने हमें मस्सा दिया है कि हम रोजाना की आम जिंदगी एक गैर मामूल ढंग से जिया करें। आमीन। आप में से कितनों ने इस बात को समझा? मेरे ख्याल में दुनिया के कई लोग चाहते हैं कि हर वक्त कोई ना कोई मुश्तज़ल और पुरजोश बात होती रहे, पर जरा देखिए हम हर होने वाली चीज को लेकर मुश्तसल और पुरजोश हो सकते हैं, खास तौर से छोटी मोटी चीजों को लेकर। मैं चाहूंगी आप उन चीजों की कीमत ना घटा दें जिन्हें आप अपनी जिंदगी में बहुत छोटा समझते हैं। मेरे ख्याल में कई लोग अपनी जिंदगी से नाखुश रहते हैं क्योंकि हर तरह से ये आम सी हो जाती है। आप सुबह जागते हैं, काम पर जाते हैं, भीड़ में कार चलाते हैं, घर की सफाई करते हैं, घर वाले कचरा जो फैलाते हैं उसे दोबारा साफ करते हैं, मोदे खाने जाते हैं, जागते हैं, सोते हैं, भीड़ में कार चलाते हैं, चर्च जाते हैं। आप में से कितने लोग मुझसे सहमत हैं? आप जिंदगी पर इल्जाम लगाकर ये नहीं कह सकते तू पुरजोश क्यों नहीं है, मैं तुझसे नफरत करती हूं कि तू पुरजोश नहीं है। नहीं, आप ही को पुरजोश बनना है, आप ही को जोश और जज्बे से भरे रहना है। चाहे जैसे जैसे भी आपकी जिंदगी क्यों ना हो, अगर आप उसमें अपना जाती जज्बा और पाक जोश भर देते हैं तब वो जिंदगी पुरजोशीली हो जाती है, क्योंकि तब आप उसे खुदा के जलाल के लिए जीते हैं। मैं यहां बामकसद आई हूं ताकि आपको बता सकूं कैसे आप अपनी जिंदगी से और अपने आप से मोहब्बत कर सकते हैं, और मेरे लिए बहुत जरूरी है जब मैं रवाना हूं तो ये मान लो कि हमने तरक्की की। और आप ये सोचते हुए नहीं भटके, काश मेरी जिंदगी आप जैसी होती, काश मैं आप जैसी लगती, काश मेरा जिस्म आप जैसा होता, काश मेरे बाल आप जैसे घने और घुंघरालू होते, काश मेरे पास आपकी सी कार होती। ये ख्याल गैर मुतमईनी को जन्म देता है। बाइबल फरमाती है तुमने नहीं मांगा इसलिए नहीं पाया, इससे आपको जरा भी फायदा ना होगा जब आप दूसरों की चीजों से हसद होगा। अगर आपको चाहते हैं आपको खुदा से मांगना होगा, बस उससे। अगर आप चाहते हैं आपको कुछ मिले आपको खुदा से मांगना चाहिए, और अगर आपके लिए मुनासिब हुआ तो वो सही वक्त पर आपको मिल जाएगा। बेहतर होगा अगर ये मैं फिर से कहूं, अगर आपको चाहते हैं खुदा से मांगे और जो ये आपके लिए मुनासिब हुआ तो सही वक्त पर आपकी जिंदगी में पूरा होगा। और ये ना तो अपनी जद्दोजहद या कोशिशों से पूरा होगा, यह खुदा के रहम और करम से पूरा किया जाएगा। इस हफ्ते जो दूसरा नुक्ता मैं आगे ला रही हूं वो ये है कि
अपने हाल में हमेशा खुश रहें। जब तक वहां नहीं पहुंच जाते जहां हम जा रहे हैं, साहिब बशारत होना अच्छा है। कुछ लोग जो साहिब बशारत होते हैं, कुछ लोग जो पुरजोश होते हैं और उनकी जिंदगी में कई मकसद होते हैं, वो अपनी सारी बशारतें और मकसद और ख्वाबों को कर्ब का सरचश्मा बना लेते हैं, क्योंकि वह लुत्फ उठाना नहीं जानते उस मकाम पर वो हैं इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक जाएं। मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि आप समझ जाएंगे। जब आप दूर उफ को देखते हैं तो आप जानते हैं कि वो क्या है, और आप उसके जितने करीब जाते हैं तो वो बशारत बदल कर एक हकीकत बन जाती है। खुदा ने एक दिन मुझे बताया, वो जो वहाँ उफ़ है वो मंजिल की नुमाइंदगी करता है जो फ़िलहाल तुम्हारी ज़िंदगी की है, और जब तुम वहाँ पहुँचोगे, जितने करीब जाओगे, उफ़ हमेशा बढ़ता रहेगा। और मैं आजकल कितना कुछ करती हूँ, मैं उन ख्वाबों में जीती हूँ जो 28 साल पहले मैंने देखे थे, पर अब मेरे नए ख्वाब और बशारते हैं। मैं आपसे बिल्कुल सच कहूँगी, मैंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी शिकस्ता हाली में गुजारी, अपने हाल में लुत्फ ना उठाकर। और ये एक वजह भी है जो मैंने ये किताब जो मेज़ पर है मैंने लिख डाली, एंजॉइंग वे यू आर एट ऑन द वे टू वे यू आर गोइंग, क्योंकि कई लोग उससे निपटना नहीं जानते। जहां तक कि आप भी हैं और उन तब्दीलियों को चाहते हैं जो खुदा आप में लाए हैं, आपकी शिकस्तियों में लेकर आए हैं, आप में से कितने खुदा पर यकीन रखते हैं कि आप में वो तब्दीली लाएगा? कितने लोग मानते हैं कि आपके अजीजों और खानदान वालों में तब्दीली पैदा होगी? ओ, आप तो बड़े पुरजोश हो गए, क्या बात है, ओ आप तो कमाल के हो। पर इस वक्त लुत्फ ना उठाना बेवकूफी है, जबकि खुदा आपको बदल रहा है। और यह भी बेवकूफी है उन लोगों के बीच लुत्फ लेना जिन्हें खुदा ने आपकी जिंदगी दाखिल किया है, जिस वक्त वो उन्हें बदल रहा है। कुछ लोग जिनके बारे में आप सोचते हैं कि उनसे आपको रिश्ता ही नहीं बनाना चाहिए था, मुमकिन है वो आपके लिए उससे भी कीमती है जैसा आपने सोचा ना था। जानते हैं, हम शादी कर लेते हैं और अपने ख्यालात और आदतों को लेकर झगड़ने लगते हैं। आमीन। जब देव और मेरी शादी हुई, मैं हर तरफ से परेशान रहती, उन्हें कोई फिक्र नहीं रहती, मैं कभी लुत्फ न लेती। वो हमेशा मौज मनाते, वो मुझ पर इल्जाम लगाते कि मैं खुदा के वक्त से पहले दौड़ा करती हूँ, और मैं कहती आप 10 मील पीछे दौड़ते हैं। ये कितना सही है, जो आपको नसीब नहीं होता आप उसकी तरफ खींचते हैं। मैं भी ऐसी हूं और डेव ऐसे हैं। मेरी जिंदगी में जिस बड़ी चीज की मुझे जरूरत थी वो था एक मुस्तकिल मिजाज इंसान, क्योंकि मैं किसी मुस्तकिल मिजाज इंसान से वाकिफ ना थी। जब मैं जवान हो रही थी, हर एक तलवन मिजाज था और ये नहीं जानता था कि आज क्या होगा और कल क्या होगा। जो सबसे बड़ी नेमत मेरे शौहर ने मेरी जिंदगी में लाई वो है एक मुस्तकिल मिजाज शख्स जो हमेशा यकसां रहता है और सबसे प्यार करता है, सबको चाहता है। मेरी डेव से शादी हुए कुल 39 बरस हो गए, और मेरे ख्याल में उन 39 बरसों में मैं कह सकती हूँ शायद 2 या 3 ऐसे लोग हैं जिन्हें डेव नापसंद करते हैं। जब हम मिले थे तब शुरुआत में मैं शायद एक ही शख्स को पसंद करती थी, अब मैं बदल गई हूँ। और मैं जानती हूँ, जब कल रात मैंने आपको बताया मुझ में मेहमान नवाजी की रूह नहीं थी, आप लोगों ने यह सोचा होगा बाप रे, जानते हो क्या हमें मेहमान नवाजी का मतलब समझाया, और इसका मतलब घर पर लोगों को बुलाने से बढ़कर होता है। हम दोस्ताना है, पर यह दोस्ताना हम किसी और के घर पर दिखाते हैं। मेहमान नवाजी का मतलब है आप लोगों को आराम बख्शें, और मैं भी यही करती हूँ। अगर मैं बाहर हूँ और कोई अकेला है या अजनबी है, मैं उन्हें शामिल करके उन्हें आरामदेह बनाती हूँ। तो हाँ हाँ हाँ, मैं उतनी बुरी नहीं जितना सोचते हैं। सोचा कि मैं जरा अपने हक में भी बोलूं। जिंदगी का लुत्फ उठाइए, लुत्फानंदोज हो जाइए, उन लोगों का लुत्फ उठाइए जिन्हें खुदा ने आपकी जिंदगी में बख्शा है। जी, आपकी जिंदगी में वो लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ आपको मिलाप ही नहीं करना चाहिए था। अगर कोई है जिससे आप पीछा छुड़ा सकते हैं तो फिर छुड़ाइए, पर कोई ऐसा है जो आपके साथ रह रहा है तब आपको उनमें वो अच्छाइयां ढूंढनी चाहिए। मैं या तो उस पर तवज्जो दे सकती हूं कि डेव मुस्तकिल मिजाज है और
इससे मैं खुश रहूं या फिर उस बात पर तवज्जो डालूं कि हर बार जब वो मेज पर से उठते हैं वो कुर्सी को बाहर छोड़ते हैं। हम ये छोटी मोटी आदतों पर उंगली उठाते हैं जिनमें हमें गुस्सा आता है, लोगों में तलाकें हो जाती हैं इस पर कि टूथपेस्ट के ट्यूब को गलत तरह से दबाया। ये हमकाना है, आप क्या कहते हैं? तो हम चाहते हैं कि जिंदगी का लुत्फ उठाएं, पर मेरे ख्याल में मैं आपको बता दूं कि आप में से ज्यादातर की जिंदगी आम तौर की होगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी पुरजोश नहीं हो सकती। उन छोटी वारदातों के असर को कम मत कीजिए जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आते हैं। यीशु ने पैर तक धोए, यूहन्ना 13 हमारे लिए एक मिसाल कायम करने एक ऐसी पुरजोश बात आप जिंदगी में जो कर सकते हैं जो दुनियावी नजरिए से पुरजोश ना भी लगे पर आपकी रूह के लिए पुरजोश है और खुदा के लिए पुरजोश होगी, वो है पैर धोना। मेरा मतलब ये नहीं कि असलियत में पानी भरा तसला लेकर पैर धोना। यीशु ने यह मिसाल कायम की है दिखाने के कि एक दूसरे की खिदमत करना कितना जरूरी होता है। एक दूसरे की छोटी मोटी खिदमत कर देना, क्या मैं आपका हाथ बटा दूं, क्या मैं ये कर दूं, क्या मैं वो कर दूं, मैं आपको कहीं छोड़ दूं, मैं आपका काम पूरा कर दूं, अगर आप कहें तो आपके लिए सामान ले आऊं। यूहन्ना 13 एक फरमाता है, फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ चुका है कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। वाह, अगर मैं ठीक तौर से समझ रही हूं, ये कह रहा है कि लोगों से आखिर तक मोहब्बत रखना उनकी खिदमत करने के बराबर है। और जब इबलीस शिमोन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाओ, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने यह जानकर कि बाप ने सारी चीजें मेरे हाथ में डाली हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं। तीसरी आयत बड़ी अहम है क्योंकि यह हमें बताती है कि वो पैर इसलिए धो रहा था क्योंकि वो अपनी हकीकत से रूशनाज हो गया था। अगर आप लोगों को मुतासर कर रहे हैं ताकि खुद को मुतासर करें, तब आप लोगों की खिदमत नहीं कर सकते, तब आप सिर्फ वही कर सकेंगे जो जरूरी या अहम लगेगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि आपको अपनी कद्र और कीमत उन जरूरी कामों को करके मिल रही है। मैं आपको सच बता दूं और ये मैं तहे दिल से कह रही हूं, मेरे ख्याल में कुछ अहम लोग जो दुनिया के हैं और कुछ अहम लोग जो खुदा के हैं, वो पर्दे के पीछे छोटे मोटे काम अक्सर किया करते हैं। मैं भी करती हूं, मैं ये मानती हूं। बिली ग्रैम ने भी आवाम में ऐलान किया है, मुझे मेरा काफी सिला यहीं पर मिल रहा है। आपके लिए शायद कोई भी ताली नहीं बजाता होगा जिस तरह मेरे लिए ताली बजाते हैं जब जब मैं यहां खड़ी होती हूं, पर मैं आपको कुछ बता दूं, अगर आप पर्दे के पीछे छोटे मोटे काम करते हैं जो खुदा चाहता है आप करें, तो आपको दूसरों के बराबर का सिला मिलेगा। अगर आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं तो वो उन जरूरी चीजों में से एक है जिसकी मुझे जरूरत है। मेरी जिंदगी में उन अहम लोगों में से एक मेरी हाउसकीपर एक वही है जो मेरा सामान बांधती है, खोलती है जब मैं ऐसे सफर पर जाया करती हूं और फिर घर लौटती हूं। वही इन तमाम लिबासों की देखभाल करती है जिन्हें देखना आपको पसंद है। एक वही तय करती है कि सब ठीक ठाक है और मेरे लिए वो एक अहम शख्स है। दूसरी नौजवान खातून जो मेरी मुलाजिमा हैं, जो मेरे लिए काम करती हैं, वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट और वो मेरे लिए बहुत कुछ करती हैं। मेरी एक बुजुर्ग वालिदा, वालिद और खाला हैं जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर है और डॉक्टरों से मिलने में ही कभी कभी 3-4-5 रोज महाना के महाना लग जाते हैं। ये लड़की मेरी मुलाजिमा है, मैं अपने से उसे तनख्वाह देती हूँ, मिनिस्ट्री उसे कुछ नहीं देती है। ये मेरे बुजुर्गों के साथ बड़ी अच्छी तरह से पेश आती है, वो उनका ख्याल रखती है, वो बरसों से उसके वाकिफ है, वो उन्हें उनके बाल बनाती है, उन्हें संवारती है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती है और घर का सारा सामान खरीद कर लाती है और ऐसे कई काम करती है। वो मेरे लिए बड़ी कीमती है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मुझ पर कितना दबाव पड़ जाता अगर मुझे ये सब करना पड़ता? तो मैं रुपए पैसों से हाथ बटाती हूं और वो खिदमत करके हाथ बटाती है। कभी ऐसा मत सोचिए कि अगर आप ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम जो पैर धोने की फेहरिस्त में शामिल है, कि इससे आप कीमती शख्स नहीं बनते हैं। ये गलत है। आप कितने कीमती हैं। ज्यादातर लोग कुछ भी नहीं करते जब तक इससे उन्हें शोहरत नहीं मिलती और जब तक कोई इसके बारे में शोर और तमाशा नहीं करता। क्योंकि आपसे सच कहूं तो हम में से कई अब तक सीख रहे हैं कि हम अपना अमल कैसे निभाएं जो खुदावंद की खातिर है और इसलिए नहीं कि हमें सराहा जाए और तारीफ की जाए।
वो लोग जिनके लिए आप कुछ करते हैं वो आपको सराहें और आप ना भी सराहें, आपको तब भी वो करना चाहिए जो खुदा का हुक्म है। लोगों से आखिरी दम तक मोहब्बत रखना उनकी खिदमत करने जैसा है। यीशु इसलिए कर सके क्योंकि वो अपने जात से वाकिफ थे। यूहन्ना 13:4, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पहुंचना शुरू कर दिया। फिर वो शिमोन पत्रस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझ जाएगा। पत्रस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने नहीं पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। क्या आपको अंदाजा है, जरा भी अंदाजा है कि यह सब क्या था? अगर हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करेंगे तो इसकी दो सूरतें हाल है। मैं फिर दोहराती हूं कि अगर हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करेंगे तो इसकी दो सूरतें हाल है। लोगों को दूसरों के काम आना चाहिए और दूसरों को इसे कबूल करना आना चाहिए। कुछ लोगों को कबूल करना नहीं आता जब आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और ये भी उतना ही बुरा हो। नहीं 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 नहीं, आप बस इतना कहें, वाह शुक्रिया, मैं ममनून हूं। मैं लोगों से हर बार कहती हूं कि मैंने कबूल करना सीख लिया, मुझे आकर कुछ देने की कोशिश मत कीजिए इस उम्मीद में कि मैं उसे कबूल नहीं करूंगी। पाकबाज फरेबी मजहबी नाटक को तर्क कीजिए। आपको वो चीज अगर चाहिए तो कबूल कर लीजिए। हाँ, वहां बैठे बैठे ये मत जाहिर कीजिए कि आपको नहीं चाहिए और ये मत चाहिए कि कोई आप पर जोर डालेगा आपको मनवाने के लिए। बस कहिए वाह, खुदा की हम्द हो, मैं इसके मुंतजिर हूं, शुक्रिया, मैं सच कह रही हूं, आप ये जानते हैं। कुछ लोग मायूस हो जाएंगे अगर उसे मनवाने के लिए जोर नहीं डाला तो। वाओ, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे में शरीक नहीं होंगे। मैं ये कैसे कह सकती हूं कि जाक और मेरी शिरकत है अगर वो सिर्फ मेरे लिए काम करे और जब मुझे पता हो कि उनकी कोई जरूरत है और मैं उसका हिस्सेदार ना बनूं। हमें एक दूसरे की खिदमत करनी है। और आगे बताते हैं, मैं एक ये मिसाल रखी है ताकि जब मौका आए तो तुम भी वही करना जो मैंने दूसरों के लिए किया। मुझे आयत 17 पसंद है। अगर तुम इन बातों को जानते हो, आप में से कितने ये जानते हैं हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए? कितने लोग जानते हैं? आप जानते हैं कि एक नौकर बन जाना हमारी जिंदगी का ऊंचा बुलावा है। लव्स मिनिस्टर का यही मतलब है। मिनिस्टर होना बड़ा आदमी नहीं होता, इसका मतलब है नौकर। एक बड़ा आदमी अपने घर से बाहर एक छोटा आदमी होता है। मैं हैरान हूं कि घर पर सब मुझसे कितने गैर मुतासर हैं। लोग मेरे बच्चों से पूछते हैं, जॉयस मायर, जॉयस मायर जैसी मां पाकर कैसा लग रहा है? वो सिर्फ मेरी मां है, जानते, सिर्फ मां है। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो जिनसे लोग हिरस करेंगे। अगर इन बातों पर अमल करोगे तो चर्च की खुशी कहां गई? हमारे यहां इतने नाखुश ईसाई क्यों है? ये सामने है। आपको हैरान होने की जरूरत नहीं कि आप खुश क्यों नहीं रहते। बात आपके छोटे से घर या पुरानी कार की नहीं है। यह इसलिए भी नहीं कि आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिली और ना तो वो सारे लोग जो आपकी जिंदगी में हैं जिन्हें आप चाहती हैं कि रूहानी दिया बने, पर ऐसा नहीं है। अगर आप ये बातें जान लें तो वो करके आप खुश रहेंगे। एक बार और, अगर आप ये सब जानते हैं, और आज के बाद आप नहीं कह सकते कि आप नहीं जानते, माफ करें, आपके सारे बहाने बेकार गए। मेरे अपने मसाइल हैं, मुझे अपने आप को सबसे पहले दुरुस्त करना है। ना 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 ना, आप में खुद को दुरुस्त करने की कोई काबिलियत नहीं, भूल जाइए। आपके लिए जरूरी है खुद को खुदा के सुपुर्द कर दें, उससे दुआ करें कि वो दुरुस्त करे, और आपके लिए जरूरी है आप दूसरों की जिंदगी में बोने में मसरूफ हो जाएं ताकि खुदा आपकी फसल उगा सके।
एक राज की बात बताऊं? जितना कम आप अपने बारे में सोचेंगे उतना ज्यादा आप खुश रहेंगे। अब मेरा मतलब यह नहीं कि आप अपने लिए कुछ ना करें, मेरा मतलब यह नहीं कि आप अपनी देखभाल ना करें, हर बात में तवाजुन रखिए। यह जरूरी नहीं कि आप सारा दिन उस छोटे से कल के आदमी की तरह चलें जो मैं टीवी पर बताती हूं, जो सारा वक्त कहता है मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या बेब मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या। अपने आप को अपने दिमाग से उतार दीजिए, कुछ पैरों को धो डालिए। अगर उनसे बदबू आई तो कुछ काम जो खुदा आपसे करवाना चाहता है तो जरूरी नहीं कि वो दुनिया के दिलकश काम हो और ना वो दुनिया का खुशगवार काम हो, फिर भी आप उन्हें कीजिए। आप हैरान हो जाएंगे कि कितने खुदाई मुलाकातों से आप महरूम रह जाते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते आपके लिए क्या मुकर्रर किया गया है। ना जाने कौन सा मौजूदा उस पैर धोने के काम में आपका इंतजार कर रहा था। मैंने कल होटल में एक खातून को देखा जिसने मुझे ये कहानी सुनाई। वो बोली, खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं किसी के लिए कुछ पका कर ले जाऊं जो कैंसर से लड़ रहा था। और वो बोली, सबसे अव्वल मुझे खाना पकाना पसंद नहीं, और दूसरी बात कि मैं बड़ी मसरूफ थी और ये करने की ख्वाहिश नहीं थी, तो मैं बड़बड़ाई और कुड़कुड़ाई, पर मैं जानती थी खुदा मुझसे ये करवाना चाहता था क्योंकि मैं बड़बड़ाई और कुड़कुड़ाई और खाना ले गई। आगे वो बोली, जब मैं वहां पर थी मैं एक खातून से मिली जो आपकी मीडिया बाइंग एजेंसी जो तुलसा में है उसमें मुलाजिमा थी, और मुझसे बोली, ओ अगर जॉयस मायर की तबलीग में जाने वाली हो मैं आपके लिए बैठने का इंतजाम करूंगी। आप नहीं जानते पैर धोने से आपको क्या मिल सकता है। आपको समझना चाहिए कि खुदा आपको कहीं भी नवाज सकता है। आप में से कई शादी के लिए किसी साथी की तलाश में है तो क्या जानते अगर आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं आप अपना खर्चा निकाल कर किसी से मिलिए। चलिए, मैं चाहती हूं कलीसिया खुश रहे, मैं चाहती हूं आप अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाएं और खुद भी लुत्फ लें। हर वो शख्स जो खुद को ईसाई कहता है सचमुच प्यार में चले और खल्क की खिदमत करने की कोशिश करे, क्या होता? वाह, मेरा मतलब चर्च से रोशनी बिखरेगी जो अंधेरे को दूर भगाएगी, लोग उससे खींचे आएंगे। हम दुनिया की तरह नहीं हो सकते, हम दुनिया में तो हैं पर इस दुनिया के नहीं है, हमें एक और मील दूर जाना है और वो करना है जो हमारा जिस्म नहीं चाहता, क्योंकि हम जानते हैं खुदा का हुक्म है कि हम ऐसा करें। छोटी छोटी बातें, मामूली चीजें, शैतान की मत मानिए, इससे कुछ नहीं होना, ये अहम बात नहीं है। वो मरे और मुर्दों में से जिलाए गए और अब वो अपने शागिर्दों के सामने जिलाए हुए राजाओं के राजा की शक्ल में नुमाया होने वाले हैं। ये बात और है कि आपने जिलाए जाने के तजुर्बे से पहले पैर धोए, पर अब वो लौटेंगे जिलाए गए। जलाली खुदावन की शक्ल में, सिर्फ खुदावन की शक्ल में। यूहन्ना 21 में बहुत कुछ है, मैं वो पूरा का पूरा नहीं पढ़ूंगी, पर यहां कहा गया है कि यीशु उनके सामने फजर के वक्त आए, चौथी आयत, और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। पस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। पस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच न सके। इसमें एक पूरा पैगाम है, कभी कभी हम अपनी जिंदगी को अपनी तरह चलाकर कुछ भी नहीं पकड़ पाते। ये एक उसूल है जो मैं चाहूंगी जो आप सदा याद रखें, जितना कम हम अपने बारे में सोचेंगे उतना ज्यादा आप खुश रहेंगे। मेरा मतलब ये नहीं कि आप अपना ख्याल बिल्कुल ना रखें, जरूरी है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें और अपना ख्याल रखें, लेकिन अपने आप को एक खुदगर्ज और खुदपरस्त ढंग से अपने जहन में मत बिठाइए। मैं मानती हूँ यही खुशी की चाबी है। हम आपको वसाइल देंगे जैसा कि हम अक्सर किया करते हैं, जिनके जरिए आप अपनी जिंदगी गुजार सकें, जिस तरह से जिसके लिए यीशु मरे ताकि आप जिएं। हम चाहते हैं आप अपने आप में इत्मीनान बख्श बने,
हम चाहते हैं आप खुद को पसंद करें। हम ये 4 CD वाली तालीमी किस्तें पेश कर रहे हैं, हाउ टू सक्सीड एट बींग योर सेल्फ, और साथ में मेरी किताब भी होगी लुक ग्रेट फील ग्रेट, और किताब जिसे डॉक्टर लिंडा मिंटल ने लिखा है ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम अ नेगेटिव सेल्फ इमेज। ये एक बेहतरीन वसायल का मजमुआ है जो आपको मदद देगा अपनी हस्ती को कबूल करने में और ऐसा बनने में जैसा आप बन सकते हैं। हम चाहेंगे आप सारी मालूमात हासिल कर लें और प्रोग्राम को देखते रहें, क्योंकि आखिर में आपसे मुझे कुछ कहना है। हम आपको दावत देना चाहते हैं आपकी राय जानने के लिए कि टीवी पर क्या चल रहा है। दरअसल हम जानना चाहते हैं कि किस प्रोग्राम को आपने सबसे ज्यादा पसंद किया है, ताकि उसे हम फिर से दोहरा सकें। इसे कहते हैं व्यूअर्स चॉइस, नाजरीन की पसंद। अगर आप ऑनलाइन पर वोट करेंगे तो हम बड़े खुश होंगे। आपका शुक्रिया।